8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे। इसके बाद सरकार ने 500 और 2000 के नोट चलाए थे, लेकिन अब इन नोटों को बैंक धीरे धीरे एटीएम से हटा रहा है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के बाद एसबीआई ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। एसबीआई ने छोटे कस्बों और शहरों में मौजूद एटीएम से 2000 रुपए के नोट रखने के कैसेट हटाने शुरू कर दिए हैं। इसकी जगह बैंक 100, 200 और 500 रुपए के स्लॉट बढ़ा रहे हैं। बैंक अब धीरे धीरे एटीएम में 500 रुपए के नोट कम करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एटीएम में अब सिर्फ 100 और 200 रुपए के नोट ही रखे जाएंगे। बैंक का कहना है कि छोटे नोटों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। अन्य बैंक भी इस पर विचार कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि आम लोगों के बीच अफवाह ना फैले, इसके लिए एटीएम से 2000 के नोट हटाना शुरू कर दिए हैं। अगर किसी को 2000 रुपए का नोट चाहिए तो उसे बैंक ब्रांच जाना पड़ सकता है। 2000 के एक नोटों की आपूर्ति नहीं होने से अधिकतर बैंकों के एटीएम से इसकी निकासी नहीं हो रही है। इसके कारण एटीएम में पैसा कम है। त्योहारी सीजन में ज़्यादा निकासी होने से ग्राहकों को कैश की परेशानी हो रही है। बता दें कि नोटबंदी के बाद साइज बदलने से एटीएम के मनी ट्रे भी बदले गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।